तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब। तो अभी हम निकल चुके हैं बागेश्वर धाम के लिए, क्योंकि आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी किया था। तो अभी हम प्रयागराज के लोक सेवा आयोग चौराहे पर पहुँचे हैं और यहाँ से हम टैक्सी लेने के लिए निकल रहे हैं। तो आगे जाएंगे यहाँ पे सिविल लाइन पेट्रोल पम्प के पास में, वहाँ से टैक्सी लेंगे। उसके बाद हम छेवकी लेंगे, कि छेवकी के लिए हमारा वहाँ से ट्रेन है हमारी सुबह 7 बजे की। तो चलते हैं वहाँ पर और वहाँ से टैक्सी लेते हैं। उसके बाद स्टेशन पहुंचने के बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी बागेश्वर धाम के लिए, कि भाई सब एक बार फिर से बताइए कि बागेश्वर धाम कैसे जाएँ। तब की बार की जो वीडियो होगी कुछ ज़्यादा डिटेल में होगी। तो अभी हमारे साथ में है अमर भाई, हम दोनों लोग साथ में जा रहे हैं। तो चलिए आपको स्टेशन पर मिलते हैं भाई। अभी हम जा रहे थे बागेश्वर धाम के लिए और अभी चुंगी पहुँच चुके हैं। चुंगी के पास में आप सभी को दिखाते हैं यहाँ दुबई कार्निवाल, अभी जो कि चुंगी के पास में इधर देख सकते हैं, पीछे ब्रिज दिख रहा है। ब्रिज के पास में इधर कैमरा घुमा के आप सभी को दिखाते हैं चल रहा है। यहाँ की वीडियो मैं जल्द ही लाऊँगा। अभी क्या है कि अभी मैं बागेश्वर धाम के लिए जा रहा हूँ, कभी नहीं ला सकता। जैसे ही वापस आऊँगा यहाँ का वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो आप सभी को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर चल के पूरा वीडियो और ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे आप सभी को। अभी शायद अभी भी चालू है, तो जब चालू होगा तो आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगा। यही लोकेशन है, देख सकते हैं। और बगल में इधर ये देखिए चुंगी है। तो फाइनली गाइज अभी हम छेवकी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। पीछे देख सकते हैं छेवकी जंक्शन है। तो हम चलेंगे अंदर, ट्रेन अभी आने ट्रेन 13725 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। हाँ, तो ट्रेन अभी नहीं आने वाली है। तो ट्रेन जैसे ही आएगी मैं ट्रेन पे कंटिन्यू करूंगा। तो गाइस जैसे कि अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन वो दूसरी ट्रेन का है। तो जैसे ही हमारी ट्रेन आएगी हम अंदर जाएंगे। तो चलिए पहले आपको घुमा के इधर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं प्रयागराज छेवकी जंक्शन का। तो प्रयागराज छेवकी जंक्शन फाइनली पहुंच चुके हैं। तो यहां से कंटिन्यू करेंगे, अंदर चलेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। तो पहले इधर का घुमा के दिखाते हैं आप सभी को। तो गाइज फाइनली कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिखता है प्रयागराज छेवकी जंक्शन। इसके पहले भी मैं जब गया था बागेश्वर धाम तो यहीं से होके गया था, यही सेम यही ट्रेन पकड़ के। तो आज फिर से यही ट्रेन पे जाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सभी को डाउट था बहुत ज़्यादा कि कौन सी ट्रेन से जाएँ कैसे जाएँ, तो पूरी जानकारी, ये बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधा आपको ट्रेन पर। और जैसे जिसको डाउट होगा ट्रेन वगैरह के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा कि कैसे जानकारी के लिए कौन सी ट्रेन पकड़ना चाहिए कब के लिए। तो फाइनली मैं अभी जो जा रहा हूँ इसका पूरा डिटेल ट्रेन पे बैठने के बाद दूंगा। तो आइए प्रयागराज छेवकी का आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं इधर मालगाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए, और कुछ इस प्रकार की भीड़ है। तो अभी अपने जो प्लेटफॉर्म पे जिस पे आने वाली है जानकारी नहीं हो पाई है, तो जैसे ही इनको पता चलेगा तो अपने ना प्लेटफॉर्म नंबर पे पहुंचेंगे, उसके बाद ट्रेन पे बैठेंगे, तो वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन पे। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं इधर ट्रेन आ चुकी है। तो चलिए ट्रेन में चलते हैं, देख सकते हैं, देख लें कौन किस में भीड़ कम है तो उसी में घुसेंगे। और क्राउड देखिए कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा देर ट्रेन रुकने वाली नहीं है, तो चलिए सीधा चलते हैं ट्रेन में। यही ट्रेन है, देख सकते हैं इधर।
तो फाइनली गए थे भी हम ट्रेन में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ की कंडीशन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कितना ज़्यादा चारों तरफ भरा हुआ है। इतना पहले से टिकट लेने के बाद कुछ इस प्रकार का हाल है। तो आप जब भी आइए पहले से टिकट ले लीजिए ताकि आपका कंफर्म हो जाए। सम्मान दूरी तय करना है फिर भी पहले से टिकट लीजिए। कुछ इस प्रकार का है, चारों तरफ से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी के सीजन में आपको ये ध्यान जरूर से रखना है, तो एक सामान्य दूरी तय करना है, लेकिन देख सकते हैं कितना ज़्यादा गर्मी। हम तो वैसे भी मैनेज करेंगे, लेकिन आप यदि फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं किसी अन्य स्टेशन पर, तो वहाँ पर रुकेंगे तो आप सभी को दिखाएंगे वहाँ का इंटीरियर। तो चलते हैं आगे। अभी फिलहाल ट्रेन पर कुछ इस प्रकार का है। तो फाइनली गाइस प्रयागराज चौकी से ये जो ट्रेन है ये चल दिया। देख सकते हैं बाहर साइड कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, बगल में मालगाड़ी लगी हुई है। अभी पहला स्टेशन अपना मानिकपुर आकर ट्रेन रुक चुकी है, तो बैक कैमरे से दिखाते हैं ट्रेन रुकी हुई है। अभी मानिकपुर जंक्शन पर रुकी हुई है, इसके बाद सीधा क्या बोलते हैं, इसके बाद चित्रकूट जंक्शन पर रुकी हुई चित्रकूट धाम। तो कुछ आइए आपको दिखाते हैं ट्रेन यहाँ पे, अभी मानिकपुर में इसका पहला स्टॉप यहाँ पे रुकी। बाहर जाने दो, अरे अंदर क्या बाहर निकल जाने दो, यहीं पे अरे सीट में जाने दो, कहाँ जाए ऊपर क्या जाए जाओ ना देखो, अरे अंदर सीट पे जाने दो भैया, तुम तो बाहर नहीं जा रहे हो ना, हम बाहर है, हटो हमारे घर चले जाओ। तो आपका पसंद चलिए चलने का कहाँ जाएंगे, निकल तो बच्चों को आप जाइए ना, निकल जाओ निकलते हमारी तरह सा रहा है, चल चलिए नहीं आती, इतना बोरी कस दिया है ना जो कि अरे अंदर बढ़ो आप, ए भैया साइड में हो जाए, साइड में हो जाओ, अरे जाने का थोड़ी सामान चढ़ाना है तो तुम लोग ऐसे गेट पे खड़े हो जाते हैं। फाइनली गाइस अभी हम लगभग 8 घंटे सफर करने के बाद खजुराहो स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बैक कैमरे से आप सभी को दिखाएंगे, तो अभी यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है, तो आगे चलेंगे वहाँ से बागेश्वर धाम के लिए टैक्सी पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पहले यहाँ दिखाते हैं किस प्रकार से खजुराहो स्टेशन बनाया गया है, आगे ले चलेंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट के लिए बैठे हुए थे, लगा हुआ है, तो पहले आपको ट्रेन दिखाते हैं। अभी ट्रेन खड़ी हुई है, यहाँ से ये ट्रेन निकल जाएगी अहमदाबाद गुजरात के लिए। अब ये ट्रेन लास्ट यहीं आती है, यहाँ से इंजन बदल के निकल जाती है। तो ये है अहमदाबाद, ये है बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस 1984, इसको याद रखिएगा ये ट्रेन। और इस ट्रेन से जब भी आएंगे, तो इस ट्रेन से जब भी आएंगे आप, ये सुबह 7 बजे या आप यदि प्रयागराज से हैं, तो मैं प्रयागराज से ये जानकारी दे रहा हूँ, प्रयागराज से आया हूँ तो ये तो वहाँ की जानकारी दे रहा हूँ। लगभग आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगी, क्योंकि आज ये ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट है, तो आपको 7 बजे पहुँचना पड़ेगा, 7 बजे के पहले पहुंचना पड़ेगा, आपको उस टाइम पे यहाँ पे ट्रेन मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं आगे, आपको वहाँ पे दिखाते हैं और किस प्रकार से यहाँ से टैक्सी मिलेगी, लगभग टैक्सी वगैरह का कितना खर्च पड़ जाता है, पहले आपको ले चलते हैं यहाँ का स्टेशन दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यही ट्रेन है जो अभी खड़ी हुई है, यहाँ से इंजन बदल के निकल जाएगी अहमदाबाद के लिए। ये कुछ इस प्रकार से इधर देख सकते हैं खड़ी है, अभी कुछ पब्लिक यहाँ है भी, और
थोड़ा थोड़ा क्राउड अभी है, तो चलते हैं स्टेशन साइड में, उधर उस साइड में दिख रहा है वहाँ पे लेके चलते हैं और किस प्रकार से स्टेशन है आप सभी को दिखाते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं खजुराहो स्टेशन यही है, इधर अभी बगल में ट्रेन खड़ी हुई है और ये प्लेटफॉर्म यही है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और इधर से अभी रास्ता बंद है, लेकिन यही टैक्सी जो दिख रहा है यही टैक्सी वाला ले जाके बागेश्वर धाम छोड़ते हैं सभी, तो उधर चलेंगे। पहले आप सभी को ले चलते हैं, इधर से दिखाते हैं खजुराहो स्टेशन, तो इधर से जाने का रास्ता बंद है तो इधर से लेके चलते हैं आप सभी को। ये देखिए भाई, आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का जो खजुराहो स्टेशन बनाया गया है किस प्रकार से दिखता है, इसका फ्रंट साइड जो कि प्रवेश द्वार के लिए बनाया गया है। तो पहले आप सभी को ये दिखाते हैं, इसका लोकेशन बताते हैं और बागेश्वर के लिए कहाँ से टैक्सी मिलेगी, कितना टैक्सी चार्ज कितना है, तो वो सभी बताएंगे आप सभी को। पहले आपको यहाँ का स्टेशन दिखाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ का ये स्टेशन दिखता है खजुराहो स्टेशन, और कुछ इस तरीके से बनाया गया है। और खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, अपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो मंदिर है उसी के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता था, लेकिन जब से बागेश्वर धाम है तो काफ़ी ज़्यादा खजुराहो और ज़्यादा फेमस हो गया। लेकिन यहाँ का जो सबसे मेन था तो वो था यहाँ का जो मंदिर था खजुराहो का मंदिर, उसके लिए तो उसी पे ये नाम पड़ा हुआ है। बाकी आपको बागेश्वर ले चलने वाले हैं, बाकी देखिए इधर खजुराहो स्टेशन कुछ इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ से। तो गाइज मैं बता दूँ, आप कहीं से भी आते हैं तो आपको सिर्फ कहीं से भी आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ से आपको पहले आपका देखना है कि कौन सा स्टेशन पड़ रहा है नज़दीकी, या फिर पास में जो भी आपको जहाँ से मिलता हो वहाँ से आप देखिए कि जो आपका डेस्टिनेशन हो वहाँ से खजुराहो के लिए ट्रेन पकड़ लीजिए। खजुराहो के लिए ट्रेन अक्सर हर जगह से लगभग मिल जाती है, यदि आप ट्रेन से नहीं आना चाहते तो यहीं पे खजुराहो में इधर हवाई अड्डा भी बना हुआ है। तो आप यहाँ जो आप कहीं से भी आ रहे हैं, यदि आपको ट्रेन माध्यम से आपके यहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं है तो आप यहाँ पे हवाई अड्डा यहाँ पे बना हुआ है, तो आप कहीं से भी आते हैं तो आप हवाई मार्ग से हवाई अड्डा के जरिए आप खजुराहो उतर सकते हैं। खजुराहो वहाँ उतरेंगे तो आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगी जो कि आपको बागेश्वर धाम छोड़ देगी। बाकी हमसे कई लोग पूछे हैं कि हम कई लोकेशन से पूछे हैं कि हम यहाँ से कैसे आएँ, तो आपको बता दूं कि आप कहीं से भी आ रहे हैं वहाँ से देख लीजिए आपका लोकेशन जो है, लोकेशन से देखिए कि आपका नज़दीकी जो भी प्लेटफॉर्म पड़ता है, जो भी स्टेशन है, उस स्टेशन से आप खजुराहो के लिए टिकट ले लीजिए। खजुराहो उतरेंगे यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, देख सकते हैं इधर साइड में भी टैक्सी पीछे लगी हुई है और इधर उस साइड में भी टैक्सी लगी हुई है, तो टैक्सी मिल जाएगी आपको लगभग 50 रुपये लेंगे आपको बागेश्वर धाम, जहाँ पे दरबार वगैरह लगता है आपको वहीं पे ले जाके छोड़ देंगे। तो आप वहाँ से अपना जानकारी लेके आगे जा सकते हैं, लेकिन हम आपको लेके चलेंगे आपको वहाँ पे पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे। ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है, तो चलिए आगे ले चलते हैं, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। गाइज इधर देख सकते हैं इधर टैक्सी वगैरह लगी है, तो चलिए टैक्सी पकड़ते हैं। 50 रुपये बोल रहे हैं, 50 रुपये में आप सभी को बागेश्वर धाम छोड़ देंगे, तो चलिए टैक्सी पे बैठते हैं। तो भाई यहाँ से आप जाए बैटरी रिक्शा करिए या टैक्सी वाले से कोई भी जाइए, 50 रुपये लेते हैं, तो देख सकते हैं आप टैक्सी को बैठ चुके हैं, तो आप निकलते हैं बागेश्वर धाम के लिए।
बागेश्वर धाम पहुँच चुके हैं। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं बाकी यही जो है यहाँ से सीधा जाने पे मंदिर की तरफ लेके जाता है। तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है प्राचीन तीर्थ बागेश्वर धाम सिद्ध तीर्थ धाम, तो यही है उस साइड में, उधर साइड में मंदिर है। तो चलते हैं आगे लेकर दिखाते हैं, थोड़ा साइड हो जाइए। तो गाइस देख सकते हैं इधर नारियल वगैरह ये बना हुआ है और मंदिर ऊपर साइड में, उधर साइड में आपको दिख रहा होगा वो द्वार है, वहाँ से प्रवेश होता है। बाकी अभी हम लोग अभी पहुँचे हैं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, कल मंगलवार है, कल का दिन सबसे अच्छा होगा, तो कल यहाँ पे जो करना होगा हम लोग करेंगे दर्शन वगैरह। तो आप सभी को दिखा दिया आज का ये ब्लॉग की प्रयागराज से बागेश्वर धाम कैसे आए, ये पूरा ब्लॉग है। तो इधर देख सकते हैं पीछे ये बांधा गया है, नारियल वगैरह यहीं पर बांधा जाता है, अंधा भी माना जाता है। तो आपकी जो अर्जी है इसमें बोलने के बाद आपका बांध दिया जाता है जिस प्रकार से हो, तो कुछ इस प्रकार से था। तो मंदिर उस साइड में है देख सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, यहाँ यहीं की मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तो कल मंगलवार है, कल आपको दिखाएंगे दर्शन का वीडियो। तो गाइज अभी आज हम आए ही हुए हैं, तो आज अभी बागेश्वर धाम सरकार अभी आज यहाँ पे है, जो कि अभी दिव्य दरबार लगा हुआ है। तो जो लोग जानकारी के लिए है आए हुए हैं तो दिव्य दरबार लगा हुआ है, थोड़ा लेके चलते हैं आप सभी को वहाँ पे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दरबार हॉल यही है और यहाँ पर देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार की आवाज भी आ रही है। इधर देख सकते हैं क्राउड है, ये देखिए चंडीगढ़ पहली बार आए, नियम का पालन करेंगे, एसी करेंगे तो पर्चा बनवाओ, नहीं तो बाप के भागीदार मत बनो। राम सीताराम भैया, ठंडा पानी लो भाई, ठंडा पानी एकदम चिल्ड। भैया ठंडा पानी ये भाई, ये खाना को अलग करने से थोड़ी दिखेगा, थम्मा है।